नमस्कार, मैं जन गुप्ता स्वयं गौतम। जिस तरीके से देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बाद में कई ऐसे अब्दुल्ला हैं जो बेगानों की शादी में दीवाने होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी कड़ी में एक नया नाम है, या फिर कहें कि पुराने अब्दुल्ला को दोबारा से नया खुमार चढ़ने लगा है, या बासी कड़ी में उबाल आने लगा है। ये एक मैं जो बात कर रहा हूँ, शरद पवार की बात कर रहा हूँ। शरद पवार दिल्ली आकर अब जिस तरीके की घोषणा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो मैं किसानों के साथ मिलकर, अपने यूपीए के साथियों के साथ मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो दावा है, ये शरद पवार की तरफ से दो किसान नेताओं ने जिन्होंने मुलाकात की उन्होंने किया। इसके अलावा सीताराम येचुरी माकपा के महासचिव से भी शरद पवार की मुलाकात हुई और उन्होंने भी कहा कि शरद पवार इस पूरे मामले में किसानों की लड़ाई को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी शरद पवार इस तरीके के संकेत दे चुके हैं। शरद पवार ने यह कहा था कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर न तो गंभीर है ना ही चिंतित है। कड़ाके की ठंड में जिस तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है, उनकी बात नहीं मान रही है। दूसरी तरफ शरद पवार को लेकर जिस तरीके से यूपीए का चेयरमैन बनाने का एक शगुफा छोड़ा गया है और ये छोड़ने वाले में संजय राउत जैसे लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे से लेकर टीआरएस के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी और स्टालिन जैसे जो स्थानीय छत्रप हैं, वो चाहते हैं कि यूपीए की कमान अब शरद पवार के हाथ में दे दी जाए, क्योंकि कांग्रेस से उन्हें कोई उम्मीद नहीं लगती है। कांग्रेस की जो सोनिया एंटोनियो माइनो हैं, वो किसी तरीके से यूपीए के अध्यक्ष के तौर पर कोई बहुत ज़्यादा कारनामा नहीं दिखा सकी है, और उनके जो पुत्र श्री हैं वो अपनी नानी के यहाँ चले गए हैं बीच में किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ने का दावा करके। तो इस तरीके से अब यूपीए के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मौका है कांग्रेस से यूपीए की कमान छीनने का, और शरद पवार को ये लग रहा है कि यहाँ पर एक पंथ दो काज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ किसानों की लड़ाई के माध्यम से वो दोबारा से पूरे देश में राष्ट्रीय नेता बनने की, प्रधानमंत्री पद का दावेदार होने की अपनी पुरानी महत्वाकांक्षा को आगे कर पाएंगे, और दूसरी तरफ सोनिया गांधी को मात देने की एक पुरानी उनकी जो इच्छा थी जिसे वो पूरी न कर पाए, उसी की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के एनसीपी बनाई थी। हालांकि पार्टी तो उन्होंने पहले भी छोड़ी थी राजीव गांधी के ज़माने में, लेकिन बाद में वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के मुद्दे पर ही शरद पवार ने पार्टी में विद्रोह किया था। उस समय शरद पवार के साथ में तारिक अनवर और पी ए संगमा जैसे लोग थे और उन्होंने एनसीपी बनाई थी। बाद में पी ए संगमा भी अलग हो गए, एनसीपी से तारिक अनवर भी बाद में कांग्रेस में आखिर में जाकर चले गए। तो ये सारा जो पुराना इतिहास है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि अब 80 साल की उम्र में शरद पवार के मन में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने की चाह जाग चुकी है, या उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर आज लोग जिस तरीके की बातें करते हैं कि दूसरा विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके, या जनता के सामने उसे यूपीए की तरफ से विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार या कद्दावर नेता के तौर पर पेश किया जा सके, और इस मौके को भुनाने की फिराक में शरद पवार लगते हैं या उनकी पार्टी लगती है। ऐसा शरद पवार के जो हालिया बयान है या जो उनका पिछले दिनों जो व्यवहार रहा है उससे दिखाई देता है। शरद पवार जिस तरीके से किसानों को लेकर बात कर रहे हैं, वो भूल गए जब वो भारत के कृषि मंत्री थे तो इसी तरीके के कानूनों में बदलाव की वकालत वो किया करते थे। उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे, जिनमें से कुछ पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, और उन पत्रों के माध्यम से शरद पवार ने यह मांग की थी कि जो एपीएमसी का एक्ट है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी कमेटी का जो एक पूरा का पूरा नियमो कानून है, उसमें तब्दीली की जाए और किसानों को खुले बाजार में अपनी जो वस्तुएं हैं, अपनी जो उपज है, उसको बेचने का अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें उचित दाम भी मिलना चाहिए। इसको लेकर कानून बनाया गया, लेकिन अब शरद पवार को लगता है कि चूंकि किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो कहते भी हैं कि 1 लाख से ज़्यादा किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लो, लेकिन सरकार सुनती हुई नज़र नहीं आ रही है। हम उनका इंतजार, यानी सरकार का इंतजार केवल 30 तारीख तक करेंगे, जब 30 तारीख को 6वें दौर की किसानों और सरकार के बीच में बातचीत होनी है। अगर उस बातचीत में कुछ नतीजा नहीं निकलता है, सरकार नहीं सुनती है, तो फिर यूपीए के घटक दलों को संगठित करके हम सरकार पर दबाव बनाने के लिए व्यापक तौर पर आंदोलन चलाएंगे। ये शरद पवार की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं।
दूसरी तरफ जो यूपीए के अध्यक्ष बनने का मामला है उसको लेकर शरद पवार खुद तो ये कहते हैं कि वो यूपीए का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके नज़दीकी लोग अब इस मुद्दे को ज़्यादा उठा रहे हैं, शिवसेना की तरफ से संजय राउत ने ये मुद्दा उठाया और ये कहने की कोशिश की कि यूपीए को एक कद्दावर और मजे हुए नेता की ज़रूरत है जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा के तौर पर उसे शायद शिवसेना को नहीं लगता है। और राहुल गांधी में तो वैसे भी किसी को संभावनाएं नज़र नहीं आती, चाहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे हों या फिर यहाँ के स्थानीय नेता, और यूपीए के जो सदस्य भी हैं उनके भी क्षेत्रीय नेता इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी पर वो दाव नहीं लगा सकते, क्योंकि लंगड़े घोड़े पर दाव लगाने का मतलब है कि रेस शुरू होने से पहले ही रेस को हार जाना। राहुल गांधी के तौर पर वो देख चुके हैं पिछले चुनाव में, चाहे 2019 का चुनाव हो या उसके बाद के जो प्रदेशों के चुनाव रहे उसमें राहुल को जिस तरीके से करारी हार का सामना करना पड़ा, उत्तर भारत में जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ हवा बनी, अमेठी जो उनका एक पुश्तैनी संसदीय क्षेत्र रहा करता था वहां से भी राहुल को भागकर केरल भागना पड़ा हार कर, और इस तरीके से राहुल के तो पूरा का पूरा एक समझिए एपिसोड खत्म हो चुका है। और इसी को शरद पवार अपने मौके के तौर पर देख रहे हैं। अभी पिछले दिनों जब ममता बनर्जी से उन्होंने बातचीत की उससे पहले शरद पवार ने एक बयान दिया था कि ममता बनर्जी के साथ में सभी पार्टियों को सहयोग करना चाहिए और ममता बनर्जी अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है उसको रोक नहीं पाएंगी, इसलिए कांग्रेस हो या वामपंथी दल हो उन्हें मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। इसके बदले में ममता बनर्जी ने शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की जो मुहिम है उसमें अपना समर्थन कर दिया। उसी कड़ी में के चंद्रशेखर राव की तरफ से भी बयान आने लगे और वो भी ये कहने लगे, इशारों में उन्होंने ये कहा है कि शरद पवार जैसे व्यक्ति अगर यूपीए के चेयरमैन बन जाएंगे तो निश्चित तौर पर इससे जो यूपीए यानी विपक्ष को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और विपक्ष की जिस कमजोरी का फायदा केंद्र की सरकार उठा रही है वो फिर बाद में ऐसा नहीं उठा पाएगी। इसको लेकर स्टालिन भी ऐसी ही बातें कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे तो शुरू से चाहते हैं कि यूपीए के चेयरमैनशिप पर किसी मराठी व्यक्ति का वर्चस्व हो, क्योंकि चाहे संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, उनका शरद पवार या दूसरे लोगों से नहीं बल्कि मराठी मानुष वाला जो मुद्दा है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। उन्हें यह लगता है कि यूपीए का चेयरमैन अगर मराठी होगा तो शायद उनका ज़्यादा बात सुनी जाएगी, केंद्र सरकार पर उनको ज़्यादा दबदबा होगा और वो जो पसोठावाद महाराष्ट्र में चलाते हैं उसको और ज्यादा खुलकर चला सकेंगे। अब इसको लेकर कांग्रेस भी पेशो पेश की स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस साथ ही साथ एक आक्रामकता भी बनाए हुए है। संजय राउत ने जब बयान दिया तो अशोक चव्हाण ने यह कह दिया था कि महाराष्ट्र में ही हमारा शिवसेना के साथ गठबंधन है, महाराष्ट्र के बाहर शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए शिवसेना को महाराष्ट्र तक ही बात करनी चाहिए, उससे आगे के बारे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ऐसा ये जो नेता है वो इसलिए कह रहे हैं, उन्हें पता है कि ले देकर एक पद जिसका कोई वैल्यू संवैधानिक वैल्यू है नहीं या जिसको कोई पूछता नहीं है वो सोनिया गांधी के पास बचा है। अगर यूपीए चेयरमैन का जो एक तमगा है वो भी सोनिया से हट जाएगा तो फिर सोनिया का इंट्रोडक्शन वो किस तरीके से कराएंगे? सोनिया कहीं जाएगी? अभी जैसे सोनिया कहीं जाती है तो कहा जाता है कि ये यूपीए की चेयरमैन है, जबकि उस यूपीए में क्या है ये किसी को पता नहीं है, यूपीए है क्या बवाल ये भी अब लोगों को याद नहीं रहा। यूपीए के नाम पर दो सरकारें भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चली थी और उस समय यूपीए की वैल्यू हुआ करती थी, यूपीए चेयरमैन की भी वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि वो उस समय पर डिफैक्टो प्रधानमंत्री के तौर पर काम करती थी और डी ज्योर प्रधानमंत्री के तौर पर थे भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह, जिनकी मनमोजी सरकार ने देश में इतने घोटाले किए कि लोग घोटालों का नाम तक याद नहीं रख पाए और न उसका क्वांटम याद कर पाए। बाद में जब छोटे मोटे घोटाले होते थे तो लोग कहते थे कि इतना इसे घोटाला नहीं कहते हैं, घोटाले तो हमारे मनमोहन सिंह जी किया करते थे, ये तो छोटी मोटी चिंदी चोरी है। तो इस तरीके से अब पूरा का पूरा मामला साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शरद पवार कृषि कानूनों पर विरोध के बहाने अपने पुराने इतिहास को भूलते हुए जिन चीज़ों का वो पहले समर्थन कर रहे थे आज विरोध करने की सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं कि इस बहाने वो केंद्र सरकार पर दबाव डाल पाएंगे और इस बहाने जो उनकी पुरानी महत्वाकांक्षा है देश में एक बड़े नेता के तौर पर अपने को साबित करना और प्रधानमंत्री पद का दावेदार साबित करना, जैसा कि वो पहले भी एक दो बार प्रधानमंत्री के दावे
दावेदार के तौर पर सामने आ चुके हैं, लेकिन बार बार वो फुस हुए। अपनी ही पार्टी को वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर कभी भी बढ़ा नहीं पाए, एक क्षेत्रीय दल के तौर पर वो सिमट कर रह गए और महाराष्ट्र के भी पूरे हिस्से पर उनका कभी भी वर्चस्व नहीं रहा। उनकी पार्टी कभी भी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार भी नहीं बना पाई। वही शरद पवार अब बुढ़ापे में ये मानकर चल रहे हैं कि अगर स्टालिन, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे या के चंद्रशेखर राव जैसे नेताओं के प्रयास से, सीताराम येचुरी जैसे लोगों के प्रयास से वो यूपीए के चेयरमैन बन जाते हैं तो कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन उनका कम से कम दबदबा तो रहेगा। और दूसरी तरफ किसानों के नाम पर राजनीति चमक जाएगी और इस बहाने से एनसीपी की जो सीटों की संख्या है महाराष्ट्र में तो क्या बढ़ेगी, उन्हें ये लगता है कि दूसरे प्रदेशों में उनको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा और बुढ़ापे में ये भी काफ़ी है। चूँकि राहुल गांधी के तौर पर कांग्रेस के पास एक नकारा नेता है, सोनिया गांधी अब उस हालत में नहीं है कि सोनिया गांधी टक्कर ले सके। पिछले एक दो साल में सोनिया का ऐसा कोई बहुत बड़ा न तो रैली हुई है, ना ही बहुत बड़ा बयान आया है जिसको ये माना जाए प्रधानमंत्री को कोई चुनौती सोनिया की तरफ से दी गई है। राहुल गांधी की तरफ से जो कहा जाता है उस पर तो उनकी पार्टी के लोग भी ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए शरद पवार को यह लगता है कि वो अपने पुराने रंग दिखाते हुए कुछ चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे और आने वाले दिनों में जब 2024 में चुनाव होगा तो शायद यूपीए के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम भी आगे रख दिया जाए। इसी उम्मीद में अब वो एक नए सिरे से बासी कड़ी में उबाल लाने की काम कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।